चलिए अभी इनके सोल्यूशन हमको देखने हैं। एस ब्लॉक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमने देखे थे ना, तो सोल्यूशन में सबसे पहला वाला क्या है, इन द हाइड्रेटेड एलआई पॉजिटिव द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सराउंडिंग ईच लिथियम है ना इन द प्राइमरी लेयर। तो लिथियम जो है ये क्या है, दैट इज सेकेंड पेरेंट का मेंबर है, ठीक है। तो इसके वैलेंसी शेल में जो ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं वो क्या रहेंगे, दीज आर 1s एंड एक s ऑर्बिटल रहेगा 2s वाला, और क्या रहेगा इट इज 2p ना, उसके 2p के तीन रहते हैं। तो ये प्राइमरी लेयर जो होती है ये क्या होती है, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू एसोसिएटेड होती है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मैक्सिमम कितना ही हो सकता है, दैट इज 4। तो इसलिए प्राइमरी लेयर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स इससे एसोसिएटेड रहेंगे ना, उनका नंबर विल बी व्हाट, दैट 4। समझ आ गई बात। ये दूसरे अल्कली मेटल्स में क्या रहता है, दिस नंबर इज 6 ना, लिथियम के लिए इट इज 4। फिर इसके बाद है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl ना, एक्स फॉर्म थ्री प्रोडक्ट्स ए बी एंड सी, ठीक है। तो एक्वस NaCl का जो अपन इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो ये क्या होता है, NaOH बनाने की मेथड होती है, और कैथोड और एनोड पर ना क्या हो जाता है, तुम बोलेंगे कैथोड पर हाइड्रोजन का लिबरेशन और एनोड पर क्या होता है, क्लोरीन का लिबरेशन। समझ आ गई बात। ये तो जो तीन प्रोडक्ट्स मिलेंगे इसमें से क्या बोला, बी और सी गैसेज हैं, तो वो क्या रहेंगे, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, और वो जो रहेगा अपना ए, ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी NaOH, क्लियर है ना। अब बोला है बी कैन नॉट रिएक्ट विद ए ना, ए क्या था अपना NaOH था, तो क्लोरीन की तो NaOH से रिएक्शन हो जाती है ना, डिसप्रोपोर्शनेशन ही जानते हैं अपन ना, हॉट एंड कोल्ड में अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन जो है इसकी NaOH से रिएक्शन नहीं होती, तो इसके बेसिस पे क्या प्रूव हो जाएगा कि बी जो है वो हाइड्रोजन है और सी जो है वो क्लोरीन है, क्लियर है ना। अब कौन सी चीज बोलिए आगे अपने को, कि सी जो होता है वो ए के साथ रिएक्शन करता है, मतलब NaOH के साथ कोल्ड कंडीशन में, तो कोल्ड कंडीशन में वो क्या बनाएगा, इट इज NaCl जो एक्स है, और क्या बनाता है, इट इज NaClO है ना, जिसको क्या बोल रहे हैं, ये वाई बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद बोले हॉट कंडीशन, तो हॉट कंडीशन में फिर से डिस्प्रोपोर्शनेट होकर क्या ही बनाते, दैट इज एक्स बनाएगा, और इस बार लेकिन यहां पर क्या बन जाता है, इट इज NaClO3, ये क्या रहेगा, दैट इज जेड, ठीक है। अब वाई और जेड में हमसे क्या बोला है, सी, सी कौन सा, क्लोरीन, तो वाई में और जेड में दोनों में सी प्रेजेंट है, तो इस सी के ऑक्सीडेशन नंबर में हमको डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसका +1 है, यहाँ पे कितना है, +5, तो ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस कितना आ जाएगा, दैट इज ऑफ 4। आगे समझ में है ना, तो अच्छा क्वेश्चन है, मतलब एक तो सिंपल ही बट थोड़ा सा घुमा के पूछा है इन्होंने ना अच्छे तरीके से। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पे है, कि व्हेन व्हाइट फॉस्फोरस इज बॉइल्ड विद कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, ठीक है। व्हाइट फॉस्फोरस का कॉन्सेंट्रेटेड NaOH में क्या हो जाता है, तो बोले कि कॉन्सेंट्रेटेड NaOH में हो जाता है इसका डिसप्रोपोर्शनेशन, और इसके डिसप्रोपोर्शनेशन से बनती क्या है, गैस बनती है, विच इज वॉट, PH3, ठीक है। और एक प्रोडक्ट बनता है सोल्यूशन में है ना, तो कौन सी चीज यहाँ पे क्या बन रहा है, इट इज PH3, और एक प्रोडक्ट बनेगा कौन सा, इट इज NaH2PO2 है ना, दैट इज सोडियम हाइपोफॉस्फाइड है ना। अब इसमें फॉस्फोरस भी क्या, इट इज -3, और सोडियम हाइपोफॉस्फाइड में ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका, दैट इज +1। तो हमसे ये पूछा है क्वेश्चन में कि जो गैशियस प्रोडक्ट है उसमें फॉस्फोरस का, वो जो कंपाउंड सोल्यूशन में बना है उसमें फॉस्फोरस का जो ऑक्सीडेशन नंबर है इनका डिफरेंस कितना होगा, तो क्या हो जाएगा, इट विल बी -3 +1, दैट अगेन विल बी 4। समझ आ गई बात। ये तो इसलिए थर्ड वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर भी क्या रहेगा, विल बी 4। समझ आ गई बात ये। इसके बाद नेक्स्ट बोले हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग लिबरेट्स हाइड्रोजन फ्रॉम NaOH, ठीक है। NaOH के साथ रिएक्शन करके कौन कौन हाइड्रोजन इसमें से लिबरेट करवाएगा, ठीक है। तो कौन सी वाली चीज अपन बोलते हैं इसमें, आंसर 7 है, इस जिन जिन पर रेड मार्क लगा है ये सभी है ना, मतलब जो एम्फोटेरिक मेटल्स हैं वो तो NaOH के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन लिबरेट करेंगे ही, ये जो नॉन मेटल्स हैं कुछ ना, जैसे बोरॉन है, कार्बन है, सिलिकॉन है, इनका भी क्या हो जाता है, तो हम बोलेंगे ये भी जब NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें हाइड्रोजन का लिबरेशन होता है ना, ये NaOH की प्रॉपर्टीज में अपन ने थ्योरी में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट विल बी 7। समझ आ गई बात ये। इसके बाद नेक्स्ट बोला है इन रिएक्शन विद NaOH हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग विल बी ऑक्सीडाइज, ठीक है। NaOH के साथ रिएक्शन करने में कौन कौन ऑक्सीडाइज होते हैं, तो ये ऊपर वाले जो सारे वैसे के वैसे ही आ जाएंगे, ठीक है।
इसमें पांच चीजें, जैसे ये फॉस्फोरस सल्फर है, ये एडिशनल है, फॉस्फोरस सल्फर इनका क्या हो जाता है, डिसप्रोपोर्शनेशन हो जाता है ना, दीज आर नॉन मेटल और डिसप्रोपोर्शनेट होते हैं, तो डिसप्रोपोर्शनेशन में क्या होगा, एक इनका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट भी हमको मिलेगा, समझा गई बात ये, है ना। तो ये एम्फोटेरिक मेटल ठीक है, ऊपर वाले जो थे ना नॉन मेटल बोरॉन कार्बन है, सभी कौन सी वाली चीज करेंगे तो हम बोलेंगे ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एनएमएच के साथ, ठीक है। तो इस बार इसका आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज नाइन, फिर वही बात ही है, इसका आंसर नाइन आ जाएगा। नहीं, HCl3, AlCl3, SnCl2, ये सब तो क्या बना लेंगे अपने, प्रेसिपिटेट विदाउट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, अमोनिया अमोनियम आयन जो है इसमें से क्या हो जाएगा, लिबरेशन ऑफ अमोनिया विदाउट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, समझ आ गई बात ही। लेकिन बाकी सभी जो होंगे ये क्या हो जाते हैं, या तो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, मतलब कौन सी इट इज एम्फोटेरिक मेटल की रिएक्शन विद NaOH, ठीक है ना, तो जो कंपाउंड कर रहा है उसमें ये सब किस में आ जाएंगे, प्लस वाले ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाते हैं, ठीक है। और फॉस्फोरस सल्फर इनके लिए हमने क्या बोला है कि दे आर अंडरगोइंग व्हाट दैट डिसप्रोपोर्शनेशन, समझ आ गई बात ही। इसके बाद फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग विल बी प्रेसिपिटेटेड एज हाइड्रोक्साइड्स ऑन ट्रीटमेंट विद Na2CO3, है ना। तो Na2CO3 का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसमें किसकी अवेलेबिलिटी होती है, OH नेगेटिव की अवेलेबिलिटी होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट दैट सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, है ना। तो Na2CO3 का एक्वस सॉल्यूशन जो होता है इट इज बेसिक इन नेचर, क्योंकि वहां पर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की वजह से क्या होता है, OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो कौन सी चीज इसमें, HCl3, AlCl3 और CrCl3, ये क्या होते हैं, तो हम बोलेंगे ये हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, क्योंकि सॉल्ट एनालिसिस में क्या होते हैं, थर्ड ग्रुप के मेंबर्स जिसमें ग्रुप रीजन क्या होता है, NH4OH होता है, जो हाइड्रोक्साइड देकर प्रेसिपिटेट करता है। और यहाँ क्या बोला हमने कि Na2CO3 खुद भी क्या, इट इज सोर्स ऑफ OH नेगेटिव आयंस, तो क्या हो जाएगा, वो इनको यहाँ प्रेसिपिटेट करवा देगा, समझ आ गई बात ही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट विल बी 3, क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद आगे, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग विल लिबरेट CO2 फ्रॉम Na2CO3, Na2CO3 के साथ CO2 कौन कौन लिबरेट करेगा, तो इसमें जैसे कौन सी चीज बोली अपनी, HCl3 और ये AlCl3, ये दोनों क्या हो जाएंगे, हम बोलेंगे तो अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा अपन ने हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं, बट साथ में क्या होता है, CO2 का लिबरेशन होता है यहाँ, समझा गई बात ये, है ना। तो HCl2 एंड AlCl3 दे विल बी प्रेसिपिटेटेड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, देयर हाइड्रोक्साइड्स विद द लिबरेशन ऑफ CO2, है ना। इसके बाद ये MgCl2, ZnSO4, CuSO4 एंड PbNO3 ये भी क्या करेंगे, प्रेसिपिटेट होते तो हैं, बट ये क्या बनाएंगे, अपने बेसिक कार्बोनेट्स का प्रेसिपिटेट बनाते हैं ना, सोडियम कार्बोनेट के साथ, ठीक है। बेसिक कार्बोनेट मतलब क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पर इनका कार्बोनेट अलॉन्ग विद इनका हाइड्रोक्साइड, ये साइमल्टेनियसली प्रेसिपिटेट होते हैं, इस वजह से इनको क्या बोला जाता है, बेसिक कार्बोनेट बोला जाता है, ठीक है ना। तो कौन सी चीज, MgCl2, ZnSO4, CuSO4 एंड PbNO3 ये चारों क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे दीज विल बी प्रेसिपिटेटेड इन द फॉर्म ऑफ देयर बेसिक कार्बोनेट अगेन विद द लिबरेशन ऑफ CO2, समझा गई बात ये। तो क्या हो जाएगा, ये 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 इन सब में से CO2 निकल रही है, HCl3, AlCl3 में प्रेसिपिटेट अलग बन रहा है, दैट इज ऑफ हाइड्रोक्साइड, और इन चारों में क्या बन रहा है, प्रेसिपिटेट और बेसिक कार्बोनेट, बट CO2 सब में लिबरेट हो रही है। CaCl2, BaCl2 इनमें क्या नहीं होगा, तो हम बोलेंगे ये क्या नहीं करवा पाते, CO2 का लिबरेशन नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि दीज आर ऑल सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो यहाँ पर क्या HCl वगैरह प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो रिएक्शन आगे नहीं करवा पाता, किसके साथ, दैट Na2CO3 के साथ, उस CO2 लिबरेट नहीं करवा पाएगा, आगे समझ में अच्छे से ये, है ना। तो ये अच्छे क्वेश्चन जैसे आए, एक बार ढंग से आप एनालाइज कर लीजिए इनको, डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, इतने अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है।